यहाँ पे ना किसी को बुला के लाए। खोल दे यार दरवाजा, खोल दे। अस्सलाम वालेकुम, आज है 24 नवंबर सन 2024 और मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों मैं लाहौर जंक्शन पर आया हूँ और उसका रीज़न ये है कि तबीयत जो थी वो काफ़ी नासाज़ थी, अब बुखार था और गला ख़राब था, तो मेडिसिन मैंने ली है। मेरा दोस्त है मुजम्मल, लीजेंड ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है तो वो मैंने ली है और आज मैं लाहौर स्टेशन पर मौजूद हूँ। और दूसरा दोस्तों, लाहौर जंक्शन पर जो आने का मकसद है वो ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उस वाले से लाहौर स्टेशन पर काफ़ी रश है, क्योंकि जीटी रोड्स और जो मोटरवेज हैं वो तकरीबन तमाम बंद हैं और मुसाफरों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो स्टेशनों का रुख कर रही है। तो दूसरी बात ये है कि दोस्तों, जब कोई भी किसी चीज़ का पहिया ना चल रहा हो तो रेलवे का पहिया चलता है, तो उस वाले से खसूसी तौर पर आज इंशाल्लाह आपको लाहौर जंक्शन पर रश भी दिखाऊंगा और जो ट्रेन आ रही हैं और जा रही हैं उनको भी इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। और दूसरा दोस्तों, रावलपिंडी से स्पेशल जो ट्रेन है वो भी चलाने पर गौर किया जा रहा है क्योंकि मुसाफिरों का बहुत रश है, तो इन तमाम मामलों पर इंशाल्लाह आज बात करेंगे, तो साथ रहिएगा। इस टाइम मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद हूँ और सामने है जी प्लेटफॉर्म नंबर 3 और जहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद मुसाफरों की मौजूद है। और ये जो मुसाफिर हैं ये 103 अप सुबह खराम एक्सप्रेस के मुसाफिर हैं और ये ट्रैवल करेंगे जी लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। काफ़ी ज़्यादा रश है। और अभी भी 42 नॉन काराकरम एक्सप्रेस आने वाली है, उसका रैक प्लेस होगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। बहुत ज़्यादा रश है। जो प्लेटफॉर्म है वो कच्चा कच्चे भरे हुए हैं और जब भी ट्रांसपोर्ट की और जब सड़कें मोटरवेज वगैरह बंद होती हैं तो उनका जो सारा जो बंडल है मुसाफिरों का वो अक्सर रेलवे की ट्रेनों पर पड़ता है। ये देखें जी आप, ज़बरदस्त रश है जी लाहौर जंक्शन पर। और जब किसी भी किस्म का पहिया नहीं चलता तो फिर रेल का पहिया चलता है।
RG20 शेंडिंग कर रहा है जी, और जो बिजनेस क्लास पॉलर कार और जो स्टैंड की कोच है 103 की, उसको अटैच करेगा बकिया रैक के साथ और इसको प्लेस करेगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। RG20 5109 और मुसाफिर जो है वो पहले ही बैठ चुके हैं, क्योंकि रश के जो सूरत हाल वो ही कुछ ऐसी है। अभी ये प्लेस होगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और RG20 आज काफ़ी फार्म में लग रहा है और शंटिंग भी शंटिंग हो रही है स्पीड के साथ। RG20 5109 3:30 हो रहे हैं और HGMU 30 लीड करने के लिए आ रहा है जी। 42 डोन काराकरम एक्सप्रेस 8203 जो 42 डोन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी। RG20 5124 शेडिंग पावर भी मौजूद है और उसके साथ जी GU20 4560 और उसके साथ HGMU 30 8203 लोकोमोटिव यहाँ पर मौजूद है। और बहुत ज़्यादा रश है आज, कुछ शटल ट्रेन भी चल रही हैं और कल पिंडी से भी एक शटल ट्रेन आई है। और रेल कार का रश है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। खवातीन जो हैं वो बाहर खड़ी हैं और रश दोस्तों इतना ज़्यादा है कि पाँव धरने की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं और अंदर से भी ये फुल है। ये ट्रेन वैसे भी फुल होती है लेकिन आज चूँकि GT रोड और मोटरवेज बंद है तो इस ट्रेन में अच्छा खासा रश है। जीरो ऑक्यूपेंसी खड़े होने की, अभी इसका डिपार्चर होने वाला है। अच्छा, ये दरवाज़ा बंद किया है जो कि सरासर गलत अमल है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेन जो है वो चलने वाली है तो दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए। और बेहिसी का ये आलम है। खोल दे यार दरवाजा, खोल दे। फाइनली दोस्तों दरवाजा जो है वो अभी खुला है। Thank you.
अंदर लड़ाई भी हो रही है। और अभी गाड़ी गुजरांवाला गुजरात वज़ीराबाद भी रुकेगी तो बहुत ज़्यादा रश होगा। और मेरे ख्याल से जो शटल ट्रेन है वो ज़रूर चलानी चाहिए आवाम के सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए। और आपको ये दिखाने का मकसद है कि जो रश की जो सूरत हाल है उससे आगाह करना हमारा काम है। खवातीन बच्चे बूढ़े सभी इस ट्रेन में सवार हैं। तो ये है जी सूरत हाल। और बहुत ज्यादा रश है। फुल ऑक्युपेंसी के साथ 103 अब जा रही है लाहौर से। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और फाइनली दोस्तों ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी है और बहुत ज्यादा भाई आप नहीं बैठे इसमें, कोशिश तो की है भागे भी बहुत। टिकट थी आपके पास? टिकट अभी लेनी थी, टिकट का टाइम नहीं है। चलें अभी 7 अप आ रही है उसमें जरूर आपको सीट मिल जाएगी। क्या कहा था आपने? AG 30 6017 लेकर आया जी 9 अप इलामाबाद एक्सप्रेस को। और यहाँ पर मौजूद है जी HDMU 30 8203 लीड 442 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। और फाइनली दोस्तों 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस का डिपार्चर विसल हो चुका है। लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं और हमारे शुक्र साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
तकरीबन 5 बज चुके हैं और अपने मुकर्रा वक्त से तकरीबन 2 घंटे लेट ये ट्रेन चल रही है। काराकरम एक्सप्रेस और इसका जो अगला स्टॉप होगा शेड्यूल वो होगा जी फैसलाबाद और उसके बाद ओवर टैक्सिंग और खाने वाल फिर ये मेन लाइन पे होगी और मंजिल इसकी कराची। इस साइड पे है जी 9 ऑफ इलामाबाद एक्सप्रेस वो भी यहाँ पर पहुँची है AG 30K की हालत में। एसी स्टैंडर्ड की कोच
और जैसे ही 42 डाउन काराकरम एक्सप्रेस गई है तो रास्ते में खड़ी थी जी 42 डाउन जाफर एक्सप्रेस, तो वो भी पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर और लाइट्स उसकी जो है वो ऑफ हैं। ZCU 26410 और हनीफ गादी साहब मौजूद हैं। और फाइनली दोस्तों बहुत दिनों बाद मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं, क्योंकि मसरूफियात कुछ ऐसी थी, हफ़्ता मुझे भी बुखार रहा और स्टेशन पर मैं नहीं आ सका, तो उमेर भाई से मुलाकात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? ठीक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। और अल्लाह का शुक्र दुआएं आपकी। उमेर भाई आज हम आए हैं और रश की जो सूरत है वो बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी आपको पैसे मुसाफरों की, तो इस बारे में आपकी भी नज़र है तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पाकिस्तान में दो ही ट्रैवलिंग के सोर्स हैं, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग जो पाकिस्तान के अंदर या बाय रोड है और या ट्रेन है। बाय एयर तो आपकी लिमिटेड सी फ्लाइट है और वो भी एक्सपेंसिव है, तो बाय रोड जब भी होता ना उसमें फॉग है, स्मॉग है, आंधी तूफान है, उसमें बंद होती ही होती है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, गाड़ी पूरी भरेगी तो वो चलेगी, फिर एक्सपेंसिव है। ट्रेन हर हाल में चलती है, आप देख लें कोविड में भी गाड़ी पार्शली चलती रही, क्वारंटाइन सेंटर बने, ट्रेन नहीं बनाए। उसके बाद अगर आप सैलाब की बात करें, जहाँ तक ट्रैक बहाल था वहाँ तक ट्रेन चली, तो रेल कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, ये रेल की क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और प्राउड टू बी अ रेल फैन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान रेलवे खुसूसन हेडक्वार्टर्स में हमेशा एडवांस एक पॉलिसी तैयार होती है कि कोई मसला हो। जैसे अब कल रश को मद्देनज़र रखते हुए रात में किसी के लिए आया हुआ था यहाँ पर, तो 11 बजे के करीब शटल ट्रेन आई रावलपिंडी से। ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट है हमारे पाकिस्तान रेलवे की, CEO साहब की और जो DS रात हैं, तो ऑब्वियसली रेलवे से यहाँ से बिलव्ड है और थैंकफुल भी हम सब ये सहूलियात जो है वो रेल में है। हाँ लेकिन जब रश होता है, ओवरलोडेड होती हैं गाड़ियाँ, तो फिर ये थोड़ी बहुत तो आपको नज़र आती है। अच्छा उमेर भी आज काफ़ी दिनों बाद हम काफ़ी दोस्त इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? यार यही ज़िंदगी है, मसरूफियात हैं, तो अब उसमें किला शिकवा तो किसी से भी नहीं बनता। ये है कि जब भी मिलें मुख्तसर वक्त होता है, ज़रा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें सबको और एक दूसरे के पीछे ज़रा अच्छी गपशप रखेंगे, तो जब आप मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेंगे। फिल्में चलाएंगे तो फिर आप एक दूसरे से मिलने से भी जाएंगे। तो चलें अल्लाह पाक आपकी आखिर ठीक करें। आमीन आमीन। और वो आप अपनी रेडी ले लें, तो चलें फिर। चलें जी चलें। और बाकी दोस्तों मैं बात करता शटल ट्रेन के हवाले से, तो वो कल रावलपिंडी से 2:30 बजे चली और लाहौर पहुँची थी, और आज लाहौर जंक्शन पर भी काफ़ी रश है, तो हो सकता है कि आज 8 बजे जो है वो शटल ट्रेन चलाई जाए। तो उसके अलावा दोस्तों आपने रश की जो सूरत हाल देखी और 42 डाउन काराकरम एक्सप्रेस जो है उसमें आपने देखा कि ऑलमोस्ट वो लाहौर से तकरीबन उस तरह का रश नहीं होता, लेकिन आज वो भी फुल गई है और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके अलावा 103 अब जो सुबह खराम थी उसमें वैसे ही बहुत रश होता है, लेकिन आज डबल रश था उसमें भी। तो ये थी आज की सूरत हाल, क्योंकि जो पंजाब के जो हालात हैं
बिलखसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, वहाँ पर शदीद किस्म की ट्रैफिक जाम है, जीटी रोड वगैरह बंद है, मोटरवेज वगैरह बंद है। तो बाकी सूरत आपने देखी, और मेरे साथ मुबीन भाई मौजूद हैं, और आज ये भी मेरे साथ है, और आज हमने इस पूरे जो रश को कवर किया। तो मुबीन भाई बताएं, आज बहुत ज़्यादा रश था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जनदेव भाई, पहले जैसा कि आपने बताया कि जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, उस वजह से काफ़ी ट्रैफिक है, और बड़ी खुशी हो रही है कि देख के, ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा रेलवे की, कि इतने मुसाफिरों को देख के, यानी कि मुल्क की सूरत हाल को देख के, वो तो जो है आप सबको पता है क्या है, लेकिन मैं रेल की बात करूँगा कि क्योंकि हम रेल से मोहब्बत करते हैं और रेलवे को ही, रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ कुछ के अलावा हम कोई बात नहीं कर रहे। तो माशाल्लाह इतने मुसाफिर देखकर बड़ी खुशी हो रही है, और कि मुसाफिर का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन दुखी थोड़ी इस चीज़ की भी हो रही है कि कुछ कुछ फैमिलीज़ हैं जो गेट पर खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं, और कुछ लोग गेट पर बाहर भी आ रहे हैं। उनके लिए है कि यार बस वो ना कहीं कोई हादसा हो जाए, वो अपनी मंजिल पर जो है खैरियत से पहुँचे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और मैंने भी देखा एक फैमिली थी और दरवाजे बंद कर दिए गए थे रेल कार के, तो मैंने कहकर उसको ओपन करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रश इतना ज़्यादा था कि खवातीन का जाना मुनासिब नहीं था। उन जेलम के शायद उनके पास टिकट थी, टिकट थी और बुकिंग भी थी, बुकिंग भी थी, और वो जाया गई है, जाया गई है कि इतना रश था कि वो पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हर बंदा जो है आराम से ट्रैवल कर सके। तो इस चीज़ का पता होता है कि ये सिचुएशन पड़ेगी, तो पहले से जो है ना इंतजाम करना चाहिए। बाकी बहुत शुक्रिया मुबीन भाई, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ट्रैवल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद।